Realme GT New 3 versus Realme GT 2 Pro, आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा मोबाइल ज़्यादा बेहतर है। सो गाइस, ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से, तो इसको इतना ज़्यादा सीरियसली ना लीजिए, कहीं और ले लीजिए। Realme GT New 3 में Android वर्जन 12 है, 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, और Realme GT 2 Pro में भी Android वर्जन 12 है, 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। Realme GT New 3 में 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और Realme GT 2 Pro में भी आपको 6.7 इंच की QHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी। Realme GT New 3 में AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, और Realme GT 2 Pro में भी आपको AMOLED स्क्रीन ही देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले के हिसाब से दोनों ही परफेक्ट स्मार्टफोन है, और Realme GT New 3 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और Realme GT 2 Pro में भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्मूथ के हिसाब में दोनों एकदम परफेक्ट है। बात करें मोबाइल का प्रोसेसर की, तो Realme GT New 3 में MediaTek Dimensity 8100 Pro का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि बहुत पावरफुल है, और Realme GT 2 Pro में Snapdragon 8 Gen 1 की परफॉर्मेंस स्पीड देखने को मिलेगी। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी दोनों एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन है। Realme GT New 3 में Octa-Core का प्रोसेसर देखने को मिलेगा 5G, और Realme GT 2 Pro में भी Octa-Core का प्रोसेसर देखने को मिलेगा 5G में। रैम की बात करें, तो Realme GT New 3 में 2 वेरिएंट अवेलेबल है, जिसमें 8GB रैम और 12GB रैम, और Realme GT 2 Pro में भी 2 वेरिएंट अवेलेबल है, 8GB रैम और 12GB रैम। तो अभी के हिसाब से दोनों मोबाइल एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। इंटरनल स्टोरेज की बात करें, तो 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, और Realme GT 2 Pro में भी सेम ही स्टोरेज देखने को मिलेगा। Realme GT New 3 में 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी, और Realme GT 2 Pro में भी आपको वो 5000mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। अब कैमरा सेटअप की ओर चले, तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि Realme GT New 3 में 50MP का प्राइमरी प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड प्लस 2MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, और Realme GT 2 Pro में 50MP का प्राइमरी प्लस 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 3MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा के हिसाब से Realme GT 2 Pro ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 3MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। बात करें मोबाइल के सेल्फी कैमरा की, तो Realme GT New 3 में 16MP की सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगी, और Realme GT 2 Pro में 32MP की सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगी। तो जिस हिसाब से सेल्फी कैमरा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा Realme GT 2 Pro, एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन है सेल्फी के लिए। बात करें मोबाइल के इंडियन प्राइस की, तो Realme GT New 3 में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले की प्राइस होगी 29,999, 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस होगी 31,999, और 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस होगी 35,999। बात करें Realme GT 2 Pro की इंटरनल प्राइस की, तो इसमें 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस होगी 49,999, और 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस होगी 57,999। तो प्राइस के हिसाब से Realme GT 2 Pro की ज़्यादा प्राइस है कंपैरिजन टू Realme GT New 3। Realme GT New 3 की प्राइस तो कम है, लेकिन कैमरा के हिसाब से Realme GT 2 Pro मोबाइल ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप अपने हिसाब से अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइस, मेरा नाम है नरेंद्र, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, बाय बाय।